वडोदरा शहर के डभोई रोड कपुराई चौकड़ी के पास आए हुए कान्हा आइकॉन में रहता वैसा शिक्षक का जोशी परिवार पिछले 5 दिनों से लापता होने की घटना में पुलिस द्वारा शिक्षक के भाई की मौजूदगी में घर को खोलने के साथ यहां पर 13 पन्नों की एक चिट्ठी और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। वडोदरा शहर में बहुचर्चित बने वैसे डभोई रोड पर आए हुए कपुराई चारास्ता कान्हा आइकॉन में रहता शिक्षक परिवार रहस्यमय हालातों में लापता होते हुए हलचल का माहौल पैदा हुआ है, जहां पुलिस ने गुनाह दर्ज करने के साथ गुम होने वाले वैसे शिक्षक के भाई को साथ में रखते हुए मकान को खोलने के साथ मकान से 13 पन्नों की चिट्ठी तथा लापता हुए वैसे 4 लोगों के मोबाइल फोन बरामद किए गए, जहाँ उनके द्वारा चिट्ठी में शिक्षक द्वारा उनकी मौत के जिम्मेदार को नीरव भुआ राहुल बुआ बिट्टू तथा अल्पेश मेवाड़ा जिम्मेदार होने का दर्शाया गया है। साथ ही चौंकाने वाली जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि पुलिस ने मकान से शिक्षक परिवार के 4 सदस्य के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा परिवार को सही सलामत ढूंढ निकालने के लिए 4 टीम की रचना करने के साथ सघन तहकीकात का दौर जारी किया है। कान्हा आइकॉन के 303 नंबर के फ्लैट में रहता वैसा राहुल जोशी तथा पत्नी नीताबेन, पुत्र पार्थ और पुत्री परिबेन परिवार के साथ रहते हैं। मूल भावनगर के दूधाला वतनी राहुल जोशी स्कूल में हंगामे के तौर पर शिक्षक थे तथा ट्यूशन क्लास करवाते थे। उनका फ्लैट मॉर्गेज करने के साथ 29 लाख रुपए की लोन ली गई थी। लोन नीरव नामक शख्स के पास से ली थी। तो वही होटल धंधा के लिए लोन लेने के बाद व्यापार में खोट जाते हुए वे काफी मानसिक तनाव में रह रहे थे। ऐसे में मकान का हफ्ता तथा अन्य धंधा के लिए लोन का आर्थिक बोझ बढ़ने के बीच आखिरकार उनके द्वारा परिवार के साथ लापता होने के साथ 13 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी गई, जिसकी आखिरकार पानीगेट पुलिस थाने शिकायत दर्ज होने के बीच पुलिस ने शिक्षक के फ्लैट में तलाशी जारी करते हुए 4 जितने मोबाइल फोन तथा 13 पन्नों की चिट्ठी को बरामद करते हुए सघन कार्यवाही का दौर जारी किया है। છેલ્લા એક્ઝેક્ટલી મને યાદ નથી, હું એકચ્યુઅલ જોબ કરું છું અને આઉટ ઓફ સ્ટેશન રાતિલા જોબ કરું છું, એટલે પણ લગભગ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી આઈ થિંક સન્ડે તો છેલ્લા જોયા હતા મેં, અને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા નથી, પણ રવિવાર જોયા હતા, સોમ મંગળવાર સોમવારે કદાચ આ લોકોએ ઘરના લોકોએ જોયા હોય તો, અને મંગળવારે એમની કામવાળીનું એવું કહેવાનું છે પાછળથી જે ખબર પડી ઘર બંધ હતું તો કે એ જ્યારે સવારે આવી હતી કામ કરવા માટે ત્યારે ઘરે હતા જ એ લોકો, અને એવું કીધું હતું કે હજી બહોળેથી કામ કરવા આવજે, અને 2 વાગ્યા પછી કામવાળી આવી ત્યારે ઘર બંધ હતું અને કામવાળીનું એવું કહેવું છે કે બહારથી આગળ મારેલો જ હતો, એટલે લોકો ગયા હશે બહાર કશે કે રીતે. ચિંતામાં એવું કંઈ એમની રહેણી કરણી પરથી ચિંતા લાગતી નહોતી, પણ સાચી વાત કહું તો રાહુલભાઈ લગભગ છેલ્લા 2-3 મહિનાથી અમને થોડાક અલગ અલગ બદલાયેલા ને એવા લાગતા હતા, બાકી ફેમિલીની રહેણી કરણી જે રીતની હતી, લાઇફસ્ટાઈલ જે રીતે, એમાં કોઈ ચિંતા કે એવું હોય લાગતું નહોતું, અને હવે ધીરે ધીરે જ્યારે ગયા છે ને આજુબાજુથી ખબર પડી રહી છે તો એમને કંઈક નાણાકીય મેટરમાં અટવાયા હોય એવું લાગતું હતું, અને બધા જોડે એમણે નાણાકીય મદદ બી માંગેલી છે અને ઘણા લોકોએ મદદ કરી પણ છે. એવું કંઈ બહુ મોટો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થયો, પૈસા લેવા કોઈક નાનું મોટું કોઈક વાર કોઈક આવ્યું હશે ઉઘરાણી એવું કંઈ આઈડિયા નથી આવતો, કારણ કે કોઈક એવું આવે અજાણી વ્યક્તિ નામ તેમ થાય તો એ લોકો તરત જ અંદર જ બોલાવી લેતા હતા, એટલે એવી કંઈ ખ્યાલ આવતો નહોતો, તો કોઈ નાણાકીય ઉઘરાણી માટે કોઈ મોટી માથાકૂટ થઈ હોય એવું અત્યાર સુધી જોવામાં નથી આવેલું. બિલકુલ શાંત અને સરળ હતા, આમ કશું કંઈ એ નહોતા, આમ મનમોજી માણસ હતા, ગીતો બીતો ગાવાનો શોખીન હતા, પણ બીજી કોઈ એમની માથાકૂટ નહોતી કદી. मोबाइल मिले हैं और एक चिट्ठी मिली है, जिस चिट्ठी का सारा कंटेंट है उसका अभी अभ्यास किया जा रहा है, उसमें जो जो नाम है उन सबका अभी पूछताछ होगी और उनके साथ जो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए उन सबके बारे में उनसे. सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में उनसे उन्होंने किसी उनका कोई पार्टनर उनके साथ मिलकर 50% में कुछ लोन लिया होता 29 लाख का, उसका कोई उल्लेख है अंदर? सर वो लोन भी है और भी कई लोगों से उन्होंने पैसे लिए हुए, तो उन सबका अभी इन्वेस्टिगेशन. सर उसके अंदर दूसरी कोई बात लिखी गई है? और कोई बात उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने बस यही कि उनका जो फाइनेंशियल काफी प्रेशर था उसकी वजह से उनका छूट गया था. हाँ सर पुलिस किस दिशा में तपास कर रहे थे वो गुजरात के बाहर भी जाने की? हाँ वहाँ पे भी उनके परिवारजनों से हमने अपील की है कि उनके बाहर के जो भी व्यक्ति उनके जानने वाले हैं उनका भी संपर्क करें, और पहले भी अगर कहीं गए वहाँ भी वो पूछताछ करें, और हमें भी बताएं कि यहाँ वो गए हुए हैं, तो उस हिसाब से उस तरीके से भी हम जाँच कर रहे हैं. थैंक यू सर. और उनके परिवार पिछले 10 दिन से गुम हुए हैं, तो उसके बारे में पुलिस की ओर से पूरी जाँच की जा रही है, उसमें CCTV फुटेज कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं, उनके संपर्क में जो भी आए वो सभी व्यक्तियों के निवेदन लिए जा रहे हैं, और उसमें से जो भी
हमें जो भी सूचना मिलेगी उसी हिसाब से हम उस पर कार्रवाई।